मुझे जिस क्वेश्चन पे डाउट होता था ना, मैं गूगल से उसको सर्च करती थी और वहां आता था, तो मैं उस पे देखती थी डाउट नट का। एक दो महीना जब तक सीयूईटी का एग्जाम नहीं होता है, पर्सनल अटेंशन सब कुछ हम अपनी तरफ से करना चाहेंगे अदिति के लिए। नमस्ते नमस्ते बेटा, आपका नाम अदिति है? मैम। वेरी नाइस। आपने मतलब बहुत 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 अच्छा किया है। देख के इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, इट इज अनइमेजिनेबल। आप आगे क्या करना चाहते हैं बेटा? मैम आगे यूपीएससी का अभी प्लान है। तो यूपीएससी तो ग्रेजुएशन के बाद होती है ना, और ग्रेजुएशन कैसे करना चाहते हैं आप बेटा? सीयूईटी मैम अभी सीयूईटी का तैयारी कर रहे हैं। की तैयारी कर रहे हो? कैसे कर रहे हो बेटा? अभी तो सेल्फ स्टडी हो रही है, सेल्फ सब्सक्रिप्शन स्टडी हो। नहीं है। अच्छा, और आप ऑनलाइन भी पढ़ाई करा करते थे? हाँ करते थे तो डाउटनेट को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे बेटू? मैम। मुझे जिस क्वेश्चन पे डाउट होता था ना, मैं गूगल से उसको सर्च करती थी और वहां आता था, तो मैं उस पे देखती थी डाउट नट का सोल्यूशन। अच्छा, और आपको उससे कितना फायदा हुआ? मैम बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। एग्जाम टाइम में जब टेस्ट सीरीज चलते थे तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पे डाउट आते थे ऐसे, तो मैंने वहीं से क्लियर किया है और आप सही कब था। से यूज कर रहे हो डाउटनेट बेटा? मैम मैंने 12th की प्रिपरेशन शुरू की थी उसी समय से। और उससे पहले जैसे आपको डाउट होते थे 11th वगैरह में, तो आप कैसे करते थे? नहीं मैम उस समय मैं यूज नहीं कर पाई थी इस नहीं, बट डाउट उससे पहले आप किससे करते थे? आप अपने डाउट्स नट। किससे, सवाल किससे जवाब मांगते थे? मैम मैं अक्सर बुक में ही ढूंढा करती थी, नहीं तो गूगल पे देखा करती थी, पर उस समय मैं डाउट नट नहीं ढूंढ पाई थी गूगल पे। तो और आपके बाकी दोस्त दोस्त बहन कजन, वो लोग भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं या डाउट नट यूज कर रहे हैं? यस मैम मेरी बहुत सारी क्लासमेट्स थी जो यूज करती थी तो सोल्यूशन से ढूंढती थी आप गर्ल्स स्कूल में जाते थे क्या? मैम। आप सिर्फ लड़कियों वाले? नहीं मैम अच्छा, तो दोनों बॉयज गर्ल्स दोनों थे। यस मैम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपका अभी और क्या करने का मन है बेटा? अभी मैम फिलहाल तो सीयूईटी का प्रिपरेशन ही चल रहा है। और सीयूटी में जिस भी कॉलेज में होगा, आप अपना शहर छोड़ के जाएंगे, अपने गांव छोड़ के जाएंगे? जी वेरी गुड, वेरी गुड। हम लोग डाउटनेट आपके लिए क्या कर सकते हैं? आपके सीयूईटी में किस तरीके से मदद कर सकते हैं हम लोग? मैम मुझे अभी सर बताया कि आप लोग सीयूईटी का भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो जी जी मैम जी आपको मैम क्लास लूंगी, मैं आप लोग का लेक्चर अटेंड करूंगी नहीं, मगर प्रिपरेशन आप का कोई ऐसा, इशू। क्योंकि आपने तैयारी तो काफी कुछ दिन से स्टार्ट कर दी होगी, तो आपको ऐसा कुछ जगह है या कोई विषय है जिसमें आपको लग रहा है कि आपको मदद चाहिए हो शायद सीयूईटी में? एक्स्ट्रा क्लास के लिए यस मैम मैं मैथ का क्लास लेना चाहूंगी, कॉम्पिटेटिव लेवल का मैथ, क्योंकि हमने अब तक तो सिलेबस का ही देखा है। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। और आप कितने घंटे पढ़ते थे बेटा? लगभग 9 से 10 घंटे की सेल्फ स्टडी हुई थी। स्कूल भी जाते थे? रेगुलर हाँ पर रेगुलर अटेंड नहीं कर पाते थे स्कूल। नहीं? और ट्यूशन? हाँ ट्यूशन था, जहाँ डाउट होते थे वहाँ कंसल्ट करने के लिए कभी कभार। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। घर में और कौन कौन है? आपके भाई बहन, माता पिता? मम्मी पापा हैं और मेरी दो बड़ी बहन है और एक भैया है। और आपकी बहनें क्या कर रही हैं? मेरी एक दीदी मेरे साथ ही है और 12th का इस बार एग्जाम देती है, और मेरी एक बड़ी बहन है वो बीए कर रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। और भाई? भैया एमए कर रहे हैं अभी भैया बीएचयू एमए से। कर रहे हैं? वेरी यस मैम नाइस। कहाँ से कर रहे हैं वो एमए? बीएचयू से बनारस से। अरे वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपको कब से इतना जज्बा है पढ़ने का कि इतना टॉप करेंगे हम लोग? बचपन से? यस मैम जब से थोड़ी सिंसियर हुई हूँ तब से। कब से हुए सिंसियर आप? किसको फॉलो किया? ये जब मेरे भैया एग्जाम दिए थे ना 10th का, उस समय से उनका कब 2016 से। 2016 से? वेरी गुड, वेरी गुड। और मैम आपका, आपके आइडियल कौन है? किनको आप फॉलो करते हो या किनको देख के आपको सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है? अगर मैं अपने देश के बारे में मतलब देश की रीति से बताऊं तो मुझे एपीजे अब्दुल कलाम सबसे ज्यादा मोटिवेट करते हैं, उनके थॉट्स बहुत अच्छे लगते हैं। सही बात। और आप रात को भी बहुत देर तक पढ़ते थे कि सुबह जल्दी उठ के, रात को जल्दी सोने वाले मतलब? मैं सुबह में पढ़ाई नहीं कर पाती थी, नहीं जग पाती थी, मैं रात में ही पढ़ाई करती थी। और लाइट वाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें? लाइट की प्रॉब्लम थी तो ये लाइट एक्स्ट्रा था घर में तो उससे हो जाता था चार्जिंग। और फोन आप किसका इस्तेमाल करते थे पढ़ने के लिए?
का मैंने ज्यादातर यूज टेस्ट वगैरह लगाने के लिए ही किया है, मॉक टेस्ट देना आने होगा। करते भी किसका किसका आपका खुद का फोन था कि मम्मी का था पापा का था? नहीं, पापा का फोन था। पापा का फोन था। तो यस पापा यस। का फोन था, आप लोग तीन चार बच्चे थे घर में, तो कैसे डिवाइड करते थे जिसको जिस समय मन किया? पापा जब आते थे रात में 9-10 बजे के करीब में, तो इसके बाद से मैं फोन ले लेती थी, और जो भी मुझे देना होता था टेस्ट मैं देती थी रात में उस तो समय। जब आप 10th में रहे होंगे, जब आप 10th में आए होंगे, तब कोविड आया होगा ना इंडिया में, वर्ल्ड में, जब कोरोना टेंथ में कोरोना? आए तब कोविड आया होगा। यस मैम, उसी समय कोविड था। तो उस समय आपको मतलब आपको क्या क्या महसूस हुआ, मतलब आपकी पढ़ाई इम्पैक्ट हुई थी कोविड के समय? यस मैम, हुई थी, लेकिन जो हमारे घर के पास ही जो हमारे टीचर है ना, वही हमारे ट्यूटर है, तो वो मुझे एक्स्ट्रा टाइम दे देते दे थे, तो ज्यादा कितने इम्पैक्ट बच्चे आते नहीं हैं हुई। उनके पास? उनके पास लगभग 1,000 तक बच्चे हैं। 1,000? यस मैम। वाह वाह, वो वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको उस समय एक्स्ट्रा टाइम दे देते थे वो। नहीं, तो आप 9th तक रेगुलर स्कूल जाते थे कि तब भी कम ही जाना होता था स्कूल? 9th तक रेगुलर स्कूल था, 10th में थोड़ा टाइम का वो कमी होने लगा, तो टेंथ से थोड़ा स्कूल जाना कम हुआ। अच्छा, गुड 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 गुड। चलिए, बहुत 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 बधाई हो बेटा। आप सर लोगों से मेरा नंबर भी ले लीजिएगा, हम लोग कांस्टेंट टच में रह सकते हैं। आपको जो भी मतलब, हम चाहेंगे कि आप CUET में भी टॉप करें। अगर हमारी तरफ से जो भी हम कर सकते हैं, हम आपके लिए करना चाहेंगे। आपने एकदम ये नाम रोशन किया बिहार का। मैम इनके पापा जी हैं जी। नमस्ते सर, आप कैसे हैं? बहुत आपने तो अच्छा, बहुत मतलब बहुत 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 बधाई हो आपको सर। सब समाज के लोगों का दिन है, आपके दो चीजों के लिए सर, लिए आपने मेरे अपनी बस का बेटी चीज थोड़े है। इतनी अपॉर्चुनिटी दी बेटी को, और उन्होंने इतना अच्छे से यूज किया उसको, और अभी आगे भी इनको बस एकदम बिना सोचे समझे कि कहाँ जाएगी क्या करेगी, सारी अपॉर्चुनिटीज देनी है बाहर जाने की, पढ़ाई करवाने की, एकदम एकदम पूरा सेक्शन। जैसे बेटा गया है BHU, वैसे ही ये भी बेस्ट से बेस्ट कॉलेज जाए इंडिया में। प्रयास रहेगा मेरा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं बहुत 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 अच्छा किया है। नमस्कार सर, आपको हमसे कुछ पूछना है सर? क्योंकि हम लोग मतलब हम अपनी तरफ से, बिकॉज ऑब्वियसली अदिति तो है ही पढ़ाई में बहुत अच्छी, मगर हमारी तरफ से हम कुछ भी कर सकते हो, स्पेशल क्लासेस यहाँ पे अगर उनको आके पढ़ने का मन हो, 1-2 महीना जब तक CUET का एग्जाम नहीं होता है, पर्सनल अटेंशन सब कुछ हम अपनी तरफ से करना चाहेंगे अदिति के लिए। हम लोग थोड़ा सा परिवार में सारे लोगों से, और आपका कांटेक्ट नंबर रहेगा, ये लोग आए हैं, और जहां समस्या होगी हम निश्चित रूप से आपसे मार्गदर्शन लेंगे। नमस्कार जी सर, जी सर, ठीक है सर, नमस्कार सर।